गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 पाइथन पांडास। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एक्सेसिंग अ सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम। इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे डेटा फ्रेम में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सबसेट को कैसे एक्सेस करेंगे इन डेटा फ्रेम में। एक्सेसिंग अ सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम को रन करा के उसमें सबसेट को एक्सेस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंपोर्ट पांडास एस पी डी लाइन फर्स्ट लाइन हम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग तीन डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, क्या है, तीन डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एनी वन कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने डिक्शनरी क्रिएट की यहाँ पे, डिक्शनरी हमने वेरिएबल नेम दिया डिस्क वन, और हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की 246 की। डिस्क टू हमने क्रिएट किया 135, डिस्क थ्री क्रिएट किया 678। मैंने ये तीन डिक्शनरी क्रिएट किया आपको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अनदर डेटा वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, एक डिक्शनरी बनाएंगे क्रिएट करेंगे जिसमें ये तीनों कंबाइन करेंगे एक डेटा में, अनदर डिक्शनरी में। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही उसी टाइप से करेंगे यहाँ पे। हमने यहाँ पे ए लिया, अब ये क्या डिफाइन करेगा, एक कॉलम नेम डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा, कॉलम, क्या डिफाइन करेगा, ये कॉलम्स है। तो हमने ए कोलन डिस्क वन उसको हमने कराया यहाँ पे, डिस्क टू और डिस्क थ्री आप देख सकते हैं। इसमें हमने तीनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया एक डेटा में, अनदर डिक्शनरी में, और कॉलम क्या लिए, ए बी सी। अब मैं इसको डेटा फ्रेम में एंट्री कराऊंगा, क्या डेटा फ्रेम बनाना है ना, तो डेटा फ्रेम बनाएंगे इसका। हमने डी एफ लिया वेरिएबल इक्वल पी डी, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और ये जो हमने डिक्शनरी क्रिएट की थी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्शनरी वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया, प्रिंट डी एफ। अब इसको प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, हमें आउटपुट क्या मिलेगा इसका, तो आउटपुट हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग, यानी जो नंबर ऑफ रोज है, इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 0 1 2 0 1 2 होगी। और हमारे कॉलम नेम क्या होंगे, हमने यहाँ दे रखे हैं ए बी सी, क्या होंगे, ए बी और सी, ये कॉलम नेम होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, टू है, क्या है, टू, फिर क्या है, फोर सिक्स, फिर वन थ्री फाइव सिक्स सेवन एट, हमारा आउटपुट ये आया। हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया तो ये हमारा आउटपुट है, ये डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो गया। क्या हो गया, डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो गया है। हमने अब देखिए, हमने यहाँ पे आउटपुट हमने क्रिएट कर लिया है, बना लिया है। अब मुझे एक पर्टिकुलर मेरा सबसेट एक्चुअली ना सबसेट मुझे क्रिएट करना है, निकालना है सबसेट। देखो फर्स्ट इसमें क्या है, एक्सेस अ रो, कोई भी एक्सेस, मतलब कोई भी रो हमें एक्सेस करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हम क्या करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में डी एफ, मतलब डेटा फ्रेम ने किसने क्रिएट किया, डीएफ ने किया था, तो डीएफ डॉट एलओसी, एलओसी क्या होता है, लोकेशन है, क्या है, लोकेशन है, क्या है ये, लोकेशन, डीएफ डॉट एलओसी। उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये जो जो कॉमा दे दिख रहा है आपको, इस साइड वाले जो पोर्शन है, इस साइड वाले जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, रोज है, और जो कॉमा के राइट साइड में उसको क्या बोलेंगे,
क्या है कॉलम्स, या नंबर ऑफ रोज हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। अब मुझे क्या करना, केवल रो एक्सेस करनी है, कौन सी, जीरो है, जीरो रो, केवल जीरो रो एक्सेस करनी है, बाकी देखिए यहाँ पे कॉलम कुछ दिया ही नहीं, तो हमें केवल जीरो एक्सेस करना, जीरो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा इसका, देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा हमें, केवल क्या मिलेगा 216, केवल ये इधर देखिए यहाँ पे केवल ये रो एक्सेस होगी, बस केवल ये रो प्रिंट कराएगा, क्योंकि आपने केवल जीरो रो एक्सेस की है, आपको ये रो प्रिंट करा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए इसमें लोकेशन, अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, अगर मुझे मल्टीपल रो एक्सेस करनी हो तो एक्सेस आ मल्टीपल रो, एक्सेस ऑफ मल्टीपल रो, तो सेम है क्या मल्टीपल रो, तो इसमें सिंपल सा है, इसी तरह से ही करना है, तो क्या करिए प्रिंट df डॉट एलओसी, क्या करेंगे अब देखिए आपको कहां से काम, जैसे मान लो हमने 0 to 1 करना, मतलब 0 और 1 रो एक्सेस करनी है, तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ क्या यहाँ पे क्या ब्लैंक, यहाँ पे कोलन लगा देंगे, बस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हमने बताया, ये क्या रोज, मतलब रोज स्टार्टिंग, ये स्टार्ट है और ये एंड लास्ट का, ये क्या स्टार्ट का मतलब होगी रो जीरो से और एंड का होगी वन, और कॉलम कोई एक्सेस करेगा नहीं, तो जीरो वन हमारा आउटपुट इसमें क्या मिलेगा, आउटपुट आप देखेंगे जीरो वन का एक्सेस कर रहे हैं, क्या है 216, और यहां पे क्या है, और वन का क्या 437, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, ये आउटपुट होगा आपका, इसका आउटपुट ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मल्टीपल रो होगी, 1 2, आप 2 भी दे सकते हैं यहाँ पे, 0 0 2 2, अब जैसे आपके में आउटपुट आ रहा है उसी हिसाब से देंगे, अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो जहाँ तक है अवेलेबल वहीं तक आउटपुट दिखाएगा, उसके आगे नहीं दिखाएगा, जैसे आपने मान लिया यहाँ पे कर दिया 4, तो 4 है ही नहीं यहाँ पे, तो जितनी है यहाँ पे 0 0 2 3 क्या 0 to 1 0 to 3 तक ही केवल दिखाएगा, सुनवा क्योंकि तो 0 इंक्लूड है, क्या 0 इंक्लूड है, 2 एक्सेस कर रहा है आपको, ये समझ में आ गया होगा, ये सिंगल रो के लिए, ये मल्टीपल रो के लिए, इसका आउटपुट ये रहा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड क्या है, एक्सेस आ कॉलम, एक कॉलम को एक्सेस करने के लिए, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था एक्सेस आ रो, एक रो को एक्सेस करने के लिए यहां पर क्या पढ़ेंगे, एक्सेस आ कॉलम को, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, प्रिंट df डॉट लिखेंगे LOC, उसके बाद अब देखिए मुझे इसमें रो तो एक्सेस करने के लिए कहा नहीं है, केवल कॉलम एक्सेस करने के लिए कहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कोलन लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 0 तो है, 0 1 2, यहाँ ABC है, यहाँ कॉलम्स नेम क्या है, ABC है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपको A एक्सेस करनी है, सिंपल सा है, सिंगल कोट में A देंगे, क्या देंगे ए, सुनवाएंगे ए देंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा इसका, अगर हम आउटपुट देखें इसका, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट के लिए हम लोग देखेंगे ए लिखा है यहाँ पे 0
वन टू, तो हमें आउटपुट इसका क्या मिलेगा, टू फोर सिक्स, क्या होगा टू फोर और सिक्स, ये आपका आउटपुट मिलेगा यहाँ पर, सुन माया, तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा टू फोर और सिक्स, सुन माया सभी को। इसके बाद हमारा फोर्थ है मल्टीपल कॉलम के लिए, फोर्थ क्या है, अभी हमने सिंगल कॉलम एक्सेस किया है, एक्सिस और मल्टीपल कॉलम, एक्सिस और मल्टीपल कॉलम्स, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल उसी टाइप से करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको, एफ एल ओ सी उसका क्या करेंगे आप, उनका रूट एक्सेस करेंगे सेम इसी तरह छोड़ देंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे कहाँ से कोलन, मान लो हमने बी तक किया, ठीक है, तुम्हारी कॉलम का ऑफिस ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा ए और बी जीरो वन टू, तो इसका ए का क्या था टू फोर और सिक्स, और बी का क्या है, बी का देखिए वन थ्री फाइव, क्या होगा वन थ्री फाइव, तो आउटपुट आपका ये मिलेगा यहाँ पे, मल्टीपल कॉलम्स ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। सुन मान लिया होगा आपको, और देखिए लास्ट यहां देखिए यहां पे देखिए यहाँ पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं, एक्सिस और रेंज, अब यहाँ क्या देंगे हम रेंज दी, रेंज आपने इलेवेंथ में पढ़ा होगा, रेंज एक्सिस रेंज ऑफ एक्सिस रेंज ऑफ कॉलम एंड एक्सिस रेंज ऑफ कॉलम्स एंड एक्सेस रेंज ऑफ कॉलम फ्रॉम रेंज ऑफ रोज फ्रॉम रेंज ऑफ रेंज ऑफ रोज से रेंज ऑफ रोज से कॉलम कैसे एक्सेस करेंगे। तो सेम उसी तरह ही करना है, हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट डी एफ डॉट एल ओ सी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे उन्हें हमने आपको बताया था फर्स्ट कॉमा के जो लेफ्ट में होगा वो क्या हुआ रोज होगा, नंबर ऑफ रोज, तो कॉमा के राइट हैंड में नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा वन कोलन टू, क्या लिखा वन कोलन टू, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी होगी टू होगी, वन से स्टार्ट होगा टू पे एंड हो जाएगा, कॉमा लगाया हमने। अब देखिए यहाँ पे रेंज में कॉलम देना है तो वो भी दे सकते हैं, जैसे हमने दिया यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सेस रेंज ऑफ कॉलम फ्रॉम रेंज ऑफ रोज, तो ये जो रेंज ऑफ कॉलम से किस पे डिपेंड है, रेंज ऑफ रोज, तो कैसे होगा मैं आपको आउटपुट बताता हूँ उसका, इसका अगर आउटपुट निकालेंगे तो देखिए वन टू वन और टू एक्सेस हो रहे हैं, इसके बाद ए और बी, लेकिन जो ए है वो तो वन पे क्या है देख सकते हैं फोर सेवन, क्या फोर सेवन। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा टू और वन वैल्यू थी वो तो नहीं आई, एक्सेस नहीं हुई, क्यों डिपेंडेंट फ्रॉम रेंज ऑफ रोज, इससे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स की रेंज निकाल रहे हैं। तो फोर थ्री देखिए टू पे क्या है सिक्स फाइव,
क्या है 6 5 वन से टू वन ए और बी, ए और बी तो वन पे क्या है 4 3 टू पे क्या है 6 7 7 रूल निकालेंगे तो ये 5 है, 5 तरीके समझो कोई सबसेट एक्सेस कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। तो यह आपको जरूर आ गया होगा, ये पूरा है प्रोग्राम हमारा, देख लीजिए दोबारा से, स्टार्ट हम लोग एक्सेस करेंगे।